संकुल संस्कार भारती के अमर्त्य साहित्य कला संवाद के भाग 3 का आयोजन संस्कार भारती के केंद्रीय कार्यालय के सभागार में रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस संवाद के आमंत्रित मुख्य अतिथि हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक नाटककार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आमंत्रित मुख्य अतिथि के संस्कार भारती के कार्यालय प्रमुख और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक तिवारी और कार्यक्रम संयोजक कुमार अनुपम ने दीप प्रज्वलन के साथ की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत संस्कार भारती का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर किया गया। साहित्य कला संवाद के इस भाग में जलज कुमार अनुपम से वार्ता के क्रम में दया प्रकाश सिन्हा जी ने कहा कि नाटक एक मुश्किल विधा है। दुर्भाग्य से हिंदी में अच्छे नाटक लिखने वालों की कमी रही है। साहित्य की राजनीति और राजनीति के साहित्य पर सिन्हा ने कहा कि दोनों अपनी अपनी जगह पर है, परंतु पुरस्कारों की जो राजनीति है और उसमें एक खास विचारधारा का बोलबाला रहा है। पिछले समय में जिसके कारण से प्रतिभावान लोगों को दरकिनार कर दिया गया और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। अनुपम हुआ और अमृत साहित्य संवाद जो है, अमृत साहित्य कला संवाद जो है, उसके संयोजक के तौर पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो आदरणीय अशोक तिवारी जी के नेतृत्व में एक सफ़र शुरू हुआ और यहाँ प्रयास है कि इसके माध्यम से प्रयास बस यही है कि साहित्य के उत्कृष्ट नामों को, कला के उत्कृष्ट नामों को, चाहे कला में जो अच्छा, साहित्य में जो अच्छा कर रहे हैं, उनको लाके और उनके माध्यम से युवाओं में आत्मगौरव और आत्मबोध का भाव कितना भरा जा सकता है, उस पर बल देना। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मतलब पब्लिक परसेप्शन बहुत ज़्यादा क्लियर पहले से नहीं है। मतलब हमारे यहाँ ना एक आम मेंटालिटी है कि जैसे कि मेरा मदर टंग भोजपुरी है, तो भोजपुरी में कहा जाला कि का कर लो, तो नाटक कर लो, मतलब लाइक दैट। सो जब तक क्या बोलते हैं कि जैसे कि हिंदी का कोई साहित्यकार है अगर कुछ लिख रहा है, तो एक आम परसेप्शन ये कहता है कि क्या हो, तो हिंदी के साहित्यकार है। अच्छा, ये तो नाटक पर चर्चा हुई है, लेकिन ऐसी चर्चाएँ होती रहनी चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी को भी तो आगे जिम्मेदारी लेनी है, उनको आगे जिम्मेदारी लेने की तैयार होना है, कला और कला के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी। तो इस तरह की चर्चाएँ जो बुजुर्ग साहित्यकार हैं उनके साथ होनी चाहिए, इंटरेक्ट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने चाहिए। हाल से नाटक कम लोगों ने देखे, लेकिन इस तरह की गोष्ठियाँ होने से सामान्य रुचि बढ़ेगी नाटक के बारे में। तो इस तरह की गोष्ठियों का एक महत्व है, भूमिका है, इस तरह की गोष्ठी होनी चाहिए। संवाद उनमें थिएटर के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।